नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। गोवा से एक बड़ी खबर आ रही है और सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों में अब फूट वहां हो सकती है। कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और ये भी कुछ सूत्र कह रहे हैं कि 5 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने तक को तैयार हैं। ये स्थिति क्यों है? उधर कांग्रेस लगातार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बीजेपी की तरफ से फैलाई गई भ्रामक खबरें हैं, ये फूट की खबरें गलत हैं। लेकिन इनको बल तब मिला जब आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें 11 में से सिर्फ 7 विधायक ही पहुंचे हैं। कल से गोवा में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र है 2 हफ्ते का और उससे पहले आज ये बैठक होनी थी। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। No meeting. Huh. There is no meeting. I at least have attended no meeting. Just a courtesy visit. Mine was just a courtesy visit to Dinesh Gundlap. How many MLAs are there? Right now? Yeah. 1, 2, 3, 6. Six MLAs. 6 or 7? 7. They have been called by High Command? No, I don't think. I was not called. Huh. I heard you were in Margao. I stay in Raya. So from there I came here. Sir, rumors are going on that Congress MLAs are joining BJP. Rumors are all over. What is to be done? Has any MLA told you he is going? No, but you are sure that your MLAs won't go? Well, I can vouch for you. I can vouch for myself. I can't vouch for third party. तो गोवा में कांग्रेस में ये जो सुगबुगाहट है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं। अब मनोरंजन, अब गोवा में क्या हो रहा है? क्या बीजेपी ने यहां भी डोरा डाल दिया है कांग्रेस के विधायकों पर? जी हाँ, निश्चित रूप से जब ये खबर आनी शुरू हुई उसके बाद जो गोवा के इंचार्ज हैं कांग्रेस के कुंडूराव, उन्होंने जो है वो एक मीटिंग बुलाई और जिसमें कि आप जो संख्या 6 बता रहे हैं वो संख्या जो बढ़कर 8 हुई है। 8 विधायक जो है वो उस मीटिंग में पहुंचे हैं। 11 विधायक हैं और 3-4 विधायक नहीं पहुंचे। 3 विधायक यदि मैं बात करूं जिसमें कि एक दिगंबर कामत भी है जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन घटनाक्रम काफी तेजी से घूम रहा है और आपको ये भी बता दूं कि मेरी जानकारी के अनुसार 5 जो है कांग्रेस के विधायक, उन्होंने ये कहा है कि हम इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्हें डर है कि यदि वो अभी शिफ्ट करते हैं बिना इस्तीफा दिए तो पब्लिक का गुस्सा उसको झेलना पड़ सकता है, इसलिए वो इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट से लड़ने के लिए तैयार है, जैसा कि आपने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में देखा है। अभी की जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि कल से विधानसभा का सत्र है लेकिन स्पीकर महोदय अभी अपने चैंबर में विधानसभा में बैठे जाकर बैठ गए हैं, कोई विधायक आए तो उनसे अभी मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि खुद इसलिए नहीं हो पा रही है कि थर्ड बजटिंग के लिए करीब करीब आपको 8 विधायक चाहिए और 8 विधायक नहीं जो है वो जुटने के लिए तैयार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं क्योंकि 8 विधायक तो कांग्रेस की मीटिंग में ही गए हैं। अब उसमें से निकल के आने के बाद भी यदि वो टूट सकते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन 3-4 विधायक हैं जो जिनके बारे में कहा जा रहा है और यही वजह है कि 2/3 मेजोरिटी वाली 8 की संख्या नहीं पहुंच रही है टूटने वाले विधायकों की, इसलिए ये फिलहाल अभी जो है रुकता हुआ आ रहा है। अब इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी शायद वो पहुंच गए हैं या वहां पर जाने वाले हैं, एक तरह से वो गोवा को वही देखते हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो है प्रक्रिया जो है वो चल रही है, अब देखते हैं कितना वक्त लगता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत काफी नाराज बताए जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही कहा, दिगंबर कामत से मैंने बात करने की कोशिश की। जो विजुअल्स हैं जो बैठक हो रही है उसमें दिगंबर कामत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं कि ये भी टूट में थोड़ी देरी हो रही है कि कुछ विधायक जो है वो बार्गेन कर रहे हैं कि मुझे कैबिनेट बर्थ दो। अब कैबिनेट बर्थ होगा क्या, वहां पर 6 ही मिनिस्टर बन सकते हैं और उसमें से किसको हटा करके किसको बीजेपी बनाएगी ये भी एक सवाल उठ गया है। इसलिए जो बार्गेनिंग की जो प्रक्रिया चल रही है ना उसके वजह से भी कैबिनेट दिया जाए नहीं दिया जाए, चेयरमैनशिप देनी है क्या देना है, इन सब को लेकर के भी अभी मुझे लगता है अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। यदि कल से विधानसभा का सत्र है तो शायद उसके पहले अब हो पाता है नहीं हो पाता है, लेकिन कल का सत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। शुक्रिया मनोरंजन भारती इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखना है कि गोवा का खेल किस तरफ बढ़ता है। क्या महाराष्ट्र की तरह यहां भी अब अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से एक तरह से जो है
कहीं कांग्रेस की नैया हिलती हुई दिख रही हो, वहां शिवसेना के साथ ऐसा हुआ, यहां कांग्रेस के साथ हो सकता है, हालांकि वहां शिवसेना सरकार में थी और यहां कांग्रेस विपक्ष में है। खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और कल इस मसले पर सुनवाई है। एकनाथ शिंदे गुट की याचिका का विरोध पूर्व डिप्टी स्पीकर ने इसमें किया है और कहा है कि अयोग्यता कार्रवाई जब तक पूरी होती है तब तक शिंदे गुट को सदन से निलंबित किया जाए। ये भी कहा कि अयोग्यता कार्रवाई पूरी होने तक बागी विधायकों के विधानसभा में प्रवेश और सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोका जाए। हालांकि सभी जानते हैं कि जो भी बागी विधायक हैं वो तो अब एक अलग सरकार बना चुके हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, क्योंकि उनके पास दो तिहाई से ज्यादा बहुमत था। डिप्टी स्पीकर नरहरि सीताराम जिरवाल ने कहा है कि उनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा सत्र चलते समय ही लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि एकनाथ कैंप 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे सकता है तो 48 घंटे में वो अयोग्यता नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे सकता है। तो ये पूरा मसला भी सुप्रीम कोर्ट में है और जब ये मसला सुलझेगा उसके बाद ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार आगे अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। और अब खबर श्रीलंका से जुड़ी। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका बीते 70 साल में सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। इस सबके बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के महल में कल जनता घुस गई और उसके बाद गोटबाया राजपक्षे ने यह ऐलान किया है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। उन्होंने कल जो स्पीकर हैं वहां की संसद के महिंदा अभयवर्धने उनको इसकी जानकारी दी और इस्तीफे के बाद राजपक्षे के इस्तीफे के बाद अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर स्पीकर ही पद को संभालेंगे और अगली सरकार का खाका तय होने तक, अगली सरकार चुने जाने तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंघे भी इस्तीफा दे चुके हैं, उन समेत 5 और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और अब रनिल विक्रम सिंघे भी कहां हैं ये नहीं पता। उनके घर को कल प्रदर्शनकारियों ने परसों जला दिया था और हिंसक प्रदर्शन अब भी कई इलाकों में चल रहे हैं, कई इलाकों में सेना सड़कों पर है। लेकिन श्रीलंका में सरकार किसकी है, किसकी चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता। पूरे कैओस की स्थिति है, अराजकता किसी स्थिति है काफी ज्यादा। इस सब के बीच जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उनके हटने के बाद अस्थायी राष्ट्रपति और सर्वदलीय सरकार नियुक्त करने का फैसला वहां पर हुआ है, लेकिन क्या अगले कुछ दिनों में होगा ये अभी साफ नहीं है। 13 तारीख को औपचारिक तौर पर जो राष्ट्रपति हैं वहां के गोटबाया राजपक्षे वो इस्तीफा देंगे। तो अभी जो भी कुछ श्रीलंका में चल रहा है वो एक तरह से अराजकता की तरह से देखा जा रहा है और श्रीलंका इस वक्त भयानक आर्थिक बोझ से दबा हुआ है, राजनीतिक संकट सड़कों पर वहां दिख ही रहा है। इस बीच भारत ने कहा है कि श्रीलंका को इस मुश्किल समय पर मदद देने के लिए भारत हर तरह से तैयार है। ऑन श्रीलंका वी हैव बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ श्रीलंका एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प एंड वी आर ऑलवेज वेरी वेरी हेल्पफुल वेयर दे आर कंसर्न बट दे आर राइट नाउ वर्किंग थ्रू देयर प्रॉब्लम सो वी हैव टू वेट एंड सी व्हाट। हाउ डू यू सी द रिफ्यूजी क्राइसिस सर? देयर इज नो रिफ्यूजी क्राइसिस राइट नाउ। उधर एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर, रूस और यूक्रेन की जंग के 135वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत और जर्मनी समेत 9 देशों में रह रहे अपने राजदूतों को हटाने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में जर्मनी के राजदूत ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर समर्थित नाजियों के बचाव में बयान दिया था। हालांकि अन्य देशों के राजदूत क्यों हटाए गए हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने राजदूतों से यूक्रेन के समर्थन में अधिक से अधिक
देशों से बात करने की अपील की है ताकि यूक्रेन को इस मुश्किल समय में हथियारों की और आर्थिक मदद मिले। और अब खबर दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से। यहां एक बार में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 14 लोगों की मौत हो गई है। यहां के सोवेटो इलाके में ये टाउनशिप में घटना हुई जिसमें कि एक बार में अंधाधुंध फायरिंग की एक शख्स ने और 14 लोग मारे गए, कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के गठन के बाद मुंबई में मेट्रो के कार शेड को फिर से आरे के जंगल में ही बनाने का फैसला किया गया है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते आरे में ही मेट्रो कार शेड बनाने का फैसला हुआ था, लेकिन पिछली उद्धव ठाकरे सरकार ने पर्यावरण से जुड़े जानकारों की चिंताओं को देखते हुए और आरे के जंगल को देखते हुए इस फैसले को पलट दिया था। लेकिन अब फिर जब आरे में कार शेड बनाने का फैसला हो गया है तो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट भी इन प्रदर्शनों में शामिल है। लोगों का कहना है, पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि मेट्रो कार शेड बनाने से जंगल कटेगा, पेड़ कटेगा कटेंगे और उसे बचाने के लिए मेट्रो शेड कहीं और बनाया जाए, यहां न बने। आज भी रविवार के दिन प्रदर्शन हुए। शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे ने भी इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और मेट्रो का कार शेड कहीं और बनाने की सरकार से मांग की। आरे की जो लड़ाई है ये मुंबई के लिए लड़ाई है, बायोडाइवर्सिटी की लड़ाई है, ये हमारे देश की जो जान है जंगल फॉरेस्ट उसके लिए लड़ाई है। जब हम सरकार में थे, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो इसी आरे में हमने 808 एकड़ इसे फॉरेस्ट करके घोषित किया, जंगल करके घोषित किया। जो हमारे आदिवासी बांधव है उनके भी जो सारे यहाँ रहने की जगह है उसे भी हमने प्रोटेक्ट किया था। और अगर आप देखें जो रास्ते हैं उसे जब कॉन्क्रीटाइजेशन हम कर रहे थे, एक भी पेड़ तोड़ा नहीं है। और कारशेड के लिए तो हर रात को तो कारशेड में जाती नहीं गाड़ी, 3-4 महीने में एक बार मेंटेनेंस के लिए जाती है। तो आरे के जो कारशेड है अगर कांजरमार्ग लेके गए तो लोगों की भी बचत होगी, पैसे की बचत होगी और इस जंगल भी बचाया जाएगा। महाराष्ट्र में नई सरकार की स्थापना होने के बाद जो पहला ऐलान किया गया कैबिनेट में वो ये किया गया कि एक बार फिर से जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आरे में कारशेड बनाना हो या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो वो एक बार फिर से शुरू होगा। आरे में जिस तरह से कहा गया कि कारशेड बनाया जाएगा उसके विरोध में एक बार फिर से जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो हम आरे में मौजूद है, इस तरह से 2018 और 2019 में हम देख रहे थे कि इसी तरह से जो लोग हैं वो आरे में प्रदर्शन कर रहे थे और अब एक बार फिर से जो लोग हैं वो आकर यहाँ पर हर रविवार को प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक सिटीजन मूवमेंट इससे पहले भी हमने देखा था। दूसरी तरफ आप भीड़ देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर आए हुए हैं। आदित्य ठाकरे इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से जब वो सरकार में भी थे 2018 में, जब वो शिवसेना और बीजेपी एक साथ सत्ता में थी तब भी वो यहीं पर थे और उसके बाद एक बार फिर से अब क्योंकि आरे को कहा गया कि वहाँ पर कारशेड बनेगा तो आदित्य ठाकरे एक बार फिर से पहुँचे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरह से हमने हर रविवार को शुरू हो गया है कि प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि पहले जब इसे जंगल घोषित नहीं किया गया था तब भी इसी तरह से हो रहा था और एक बार फिर से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस तरह से जरूर चीजें हो रही हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है और एक बार फिर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि किस तरह से आरे के बाहर इस यहाँ से चीजों को ले जाएगा। तो इस तरह से कई सारी चीजें यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो एक बार फिर से शुरू है। मुंबई और आरे को बचाने की बात की जा रही है और एक बार फिर से हर रविवार को प्रदर्शन मुंबई में किए जा रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा कांग्रेस में बागी तेवर अपनाए विधायक, कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई क्या बीजेपी में जाएंगे? ये अटकलें काफी समय से चल रही हैं लेकिन इन्हें आज
और बल मिला जब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए कुलदीप बिश्नोई पहुंचे हैं और इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें गर्मा गई हैं। मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें जो राज्यसभा चुनाव हुए थे हाल में उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन के खिलाफ कुलदीप बिश्नोई ने वोट दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा। उन्होंने राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया था और तब से ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। अब देखना है कि कब ये अटकलें सच साबित होती हैं। मां काली को लेकर चल रहे विवादों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब कुछ मां की चेतना से ही व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मां काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को यानी आज स्वामी आत्मस्थानंद के शताब्दी समारोह में को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने मां काली की चर्चा की। समष्टि के लिए जीना, स्व का विस्तार समष्टि तक, स्वामी विवेकानंद को सन्यासी के लिए मां काली की जो अनुभूति सेवा में उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीमित असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के बाद आज बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत को मां काली की भक्ति का केंद्र बताते हैं। दूसरी ओर एक टीएमसी सांसद ने मां काली का अपमान किया, उन पर कार्रवाई के बजाय ममता बनर्जी उनका बचाव करती हैं। उधर महुआ मोइत्रा जो है अपने बयान पर कायम है, हालांकि टीएमसी उस बयान पर जो उन्होंने दिया था उसे लेकर उनके साथ खड़ी हुई नहीं। पंजाब के जाने माने गायक रहे सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि इस हत्याकांड का एक मास्टरमाइंड गोल्डी बरार कनाडा में अंडरग्राउंड हो गए हैं। उसकी जगह पर एक डमी गोल्डी बरार यानी कोई और व्यक्ति गोल्डी बरार बनकर फिलहाल उसका काम संभाल रहा है और अपने गुर्गों को उसके नाम पर आदेश दे रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में शामिल एक खास नाम है गोल्डी बरार, जो कनाडा से गैंग ऑपरेट करता है। जांच एजेंसियां उसकी तलाश में हैं, लेकिन पता चला है कि वो कनाडा में अंडरग्राउंड हो गया है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 15 दिन बाद से ही वो गायब है। जानकार इसकी दो वजह बता रहे हैं। पहला, गोल्डी को डर है कि कहीं विरोधी गैंग उसे मार ना दे, और दूसरा कि कहीं कनाडा में सुरक्षा एजेंसियां उस तक न पहुंच जाएं। हालात ये हैं कि गोल्डी बरार से मिलती जुलती शक्ल वाले लोगों या गोल्डी नाम के लोगों को विदेश में पीटा जा रहा है। कनाडा में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बरार ने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। अब दुबई और कनाडा में उसका काम डमी गोल्डी बरार संभाल रहे हैं, जो गोल्डी की आवाज में ही गैंग के लोगों से बात करते हैं। गोल्डी बरार के खिलाफ पहले ही इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। अब हर तरफ से उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि जांच एजेंसियों का
उस तक पहुंचना आसान नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और एक बार फिर चलते हैं गोवा की खबर पर। यहाँ जानकारी मिल रही कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और कांग्रेस में बगावत हो सकती है। कल जो है वहाँ गोवा विधानसभा में बजट सत्र शुरू होना है। बीजेपी की वहाँ सरकार है, लेकिन अब वहाँ जो विपक्षी कांग्रेस है उसमें टूट की खबरें आ सकती हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं। क्या और जानकारी मिली है मनोरंजन इस पूरे विवाद में? अभी जो ताजा जानकारी ये है कि जो गोवा के स्पीकर हैं वो जो है अपने चैम्बर में आके, जो विधानसभा है जो वहां पर अपने चैम्बर में आके वो बैठ गए हैं। शायद उनको इस बात का अंदाजा है या फिर या उन्हें सूचना मिली है कि कुछ कांग्रेस के विधायक जो कि टूटने के कगार पे हैं वो शायद उनसे संपर्क कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में उनको क्या करना है इसके लिए वो सलाह मशविरा के लिए अपने चैम्बर में हैं। और यदि कांग्रेस के विधायक आते हैं तो उनको क्या एक अलग गुट की मान्यता दी जाएगी, क्या उनको कल बैठने के लिए उनके लिए क्या सीटिंग अरेंजमेंट होगा या फिर क्या किया जा सकता है, इस चीज के लिए जो है स्पीकर महोदय जो है वो अपने चैम्बर में वहां पे विधानसभा में मौजूद है। अब देखना यह है कि विधायक, कांग्रेस के विधायक कितनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार दो तिहाई जो आंकड़ा नहीं होने के कारण अभी विधायक जो है झिझक रहे हैं। अभी केवल 3-4 विधायक ही हैं जो कि जाने के लिए तैयार है, उसमें से भी कई बार्गेन कर रहे हैं कि हमें कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट बर्थ चाहिए। कुछ विधायक जो है वो ये भी कहने के लिए तैयार हैं कि हम जो है रिजाइन करके दोबारा से बीजेपी के टिकट पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसकी अभी थोड़ी सी जो है वो नाजुक वहां पे बनी हुई है। लेकिन ताजा जानकारी यही है कि स्पीकर महोदय जो है वो अब विधानसभा में है और वो उनको शायद इस बात का उम्मीद है कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनसे मिलने आ सकते हैं। जी मनोरंजन, लेकिन कांग्रेस यहाँ विपक्ष में है, मंत्री वगैरह कोई बन नहीं सकता, सरकार का मामला नहीं है, झगड़ा क्या है गोवा कांग्रेस में? देखिए गोवा कांग्रेस में जो बाकी जगह आपको देखने को मिल रहा है कि ढंग से कांग्रेस में को तोड़ा जाता है, आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ, आपने देखा अभी शिवसेना के साथ क्या हुआ। तो एक जो प्रोसेस है उसमें अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गोवा जो है वो कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी भी जो है 7-8 लोग हैं जो कि कांग्रेस में बने हुए हैं, अभी दिख रहे हैं, क्योंकि जो मीटिंग जो है महासचिव जो गोवा के हैं गुड्डू राव साहब ने जो बुलाई थी उसमें वो पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात और सबसे अचंभे वाली बात है कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत वो उस मीटिंग में नहीं थे और मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाई। लेकिन ये बात, यदि इतना सीनियर लीडर यदि वहां पर कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार है तो यदि वो बीजेपी जाते हैं तो बीजेपी उनको क्या ऑफर करेगी? कुछ तो ऑफर करना पड़ेगा तभी वो पार्टी छोड़ के जाएंगे, या फिर हो सकता है वो रिजाइन करके दोबारा मडगांव की जो उनकी अपनी परंपरागत सीट है वहां से जीते, क्योंकि वो हमेशा से वहां से जीतते रहे। तो पहले भी हुआ था, आपने देखा था ये जो पिछली बार जो सरकार बनी थी वो भी इसी ढंग से बनी थी, तोड़ के बनी थी। अब जो है कहा जा रहा है जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पे गिरीश, उनका कहना है कि बहुत पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, बहुत प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के जो बाकी राज्यों में हो रहा है वो गोवा में भी हो रहा है। छोटा सा स्टेट है, आपको मालूम है 40 की विधानसभा है, वहां पे सब जो है एक दूसरे को जानते हैं और ऐसी स्थिति में वो पार्टी जो है उनके लिए उतना मायने गोवा में तो रखता नहीं है, छोटा आयाराम गयाराम वाला स्टेट है। जी शुक्रिया मनोरंजन इस पूरी जानकारी। अब खबर महाराष्ट्र से। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का मसला आना है कल, और डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सुनवाई से पहले उन्होंने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की जो कार्रवाई उन्होंने की वो वैध थी, जो उनको नोटिस दिया था कि क्यों ना उनकी विधायक की जो है उससे उनको हटा दिया जाए, और ये भी कहा कि नोटिस तभी दिया जाता है जब विधानसभा सत्र में हो। उन्होंने कहा कि उन्हें हटाने का जो नोटिस मिला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं। आशीष, क्या है इस हलफनामे में विस्तार से जानकारी? देखिए ये एकनाथ शिंदे जो कैंप ने अचानक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी और उसके बाद नोटिस जारी किया था 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने, बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई डिप्टी स्पीकर ने शुरू की थी। ना
शिवसेना के विप की एप्लीकेशन पर के इनको डिस्क्वालिफ किया जाए, क्योंकि इन्होंने पार्टी की लाइन से बाहर जाकर काम किया और वो पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन इसके बाद शिंदे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक यानी परसों तक अयोग्यता की कार्रवाई पर आगे जवाब दाखिल करने के लिए टाइम दे दिया था, क्योंकि 48 घंटे दिन किए गए थे डिप्टी स्पीकर के द्वारा। तो नोटिस जारी किया था, अब जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा है कि जो शिंदे कैंप कह रहा है कि अवैध इलीगल तरीके से, मनमाने तरीके से, असंवैधानिक तरीके से स्पीकर ने उनको नोटिस जारी किए हैं अयोग्यता के, वो बिल्कुल गलत बात है शिंदे ग्रुप की, और वो पूरी तरह वैध है, अपने अधिकार क्षेत्र में है, संविधान ने जो उनको अधिकार दिया, क्योंकि वो मास्टर ऑफ हाउस है, सदन के वो नेता हैं और उन्होंने सही तरीके से अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने ये भी वकालत की है कि 48 घंटे का समय उन्होंने दिया था जवाब देने के लिए बागी विधायकों को, लेकिन 24 घंटे के भीतर वो सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए, 48 घंटे के भीतर उनके पास जवाब देने में उनको क्या दिक्कत थी कि वो उनको क्या गलत नजर आया कि 48 घंटे में वो जवाब दाखिल नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो बागी विधायकों ने उनको यानी डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव नोटिस जारी किया था अविश्वास का, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी क्योंकि सदन उस समय सत्र में नहीं था, सदन नहीं चल रहा था, और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को तभी हटाया जा सकता है जब सदन की कार्रवाई, विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर वकालत की है और अपने जो जो कार्रवाई थी उसको सही ठहराया है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है सुशील, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा अब काफी पेचीदा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि असहाय नजर आएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति देश में पहले नहीं हुई। एक ही ग्रुप के दो हिस्से हुए, एक मेजोरिटी एक माइनॉरिटी, जो मेजोरिटी का हिस्सा था उसने माइनॉरिटी की बात नहीं मानी और बहुमत की अपनी सरकार बना ली। कुछ ज्यादा अगर देखें तो सिर्फ एक शिवसेना, आज भी शिवसेना है और बागी विधायक 39-39 कह रहे हैं कि वो शिवसेना का ही पार्ट है। तो ऐसे में ये घर की लड़ाई है और इस घर की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट किस हद तक और कैसे दखल दे, ये काफी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सत्ता वहां पर बदल चुकी है। एकनाथ शिंदे जो विधायक थे वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बीजेपी जो विपक्ष में थी वो सत्ता में उनके साथ आ चुकी है, और ऐसे में स्पीकर बदल चुके हैं, जिनके स्पीकर जिन्होंने कार्रवाई शुरू की थी वो अपने पद पर नहीं है। ऐसे में क्या हो आगे, किस तरीके से कार्रवाई हो, ये काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब संवैधानिक सवाल जो खड़े हुए हैं उनके जवाब इतनी जल्द और इतनी आसानी से तो मिलने वाले नहीं है। तो निश्चित तौर पर वक्त का इंतजार करना होगा और सुप्रीम कोर्ट के भी रुख का इंतजार करना होगा, क्योंकि जो पहले पिटीशन लेकर यहाँ पर शिंदे ग्रुप आया था वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काफी हद तक सफल हुए हैं, और जो डिप्टी स्पीकर और शिवसेना यहाँ पर आए थे उनके लिए अभी तक बड़ा झटका है और ऐसे में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इसके। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी। उदयपुर में 29 जून को एक दर्जी कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या हुई, जिसकी जांच एनआईए कर रही है, और इस मामले में कल सातवें आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। ये मुख्य आरोपी रियाज का करीबी बताया जाता है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास काफी ज्यादा बारिश हुई ऊपरी पहाड़ी इलाके में, जिसके बाद अमरनाथ गुफा के बगल से बहने वाले एक पहाड़ी नाले में इतनी तेजी से पानी आया कि वहां उसके आसपास जो टेंट थे उनमें रहने वाले लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचा दिया गया। लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि करीब 40 लोग लापता हैं और उन्हें ढूंढने के लिए जो CRPF है, NDRF, BSF इसके जवान लगे हुए हैं, मलबे के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता कुछ और लोग भी मिल जाएं, और इसके लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार और अन्य उपकरणों का भी सहारा लिया जा रहा है। एहतियातन यात्रा आज भी रुकी हुई है। जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने प्रशासन के साथ ताज़ा हालात की जानकारी ली, राहत और बचाव की जानकारी ली है, और जब स्थिति ठीक समझी जाएगी उसी के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू की जाएगी। इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अमरनाथ गुफा के ठीक पास जो नाला है जहां
कभी भी पानी तेजी से आ सकता है अगर ऊपरी पहाड़ी इलाके में बारिश हो तो, उसके ठीक बगल में इतने ज्यादा कैंप्स क्यों लगाए गए और वही वजह रही कि इतने लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई। 16 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और 40 लापता हैं। बालटाल से देखते हैं कुछ लोग जो वहां मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे हादसे पर। मैं कल से इधर वेट कर रहा हूं, वैसे तो परसों से आ गया हूं मैं, पर मेरा रजिस्ट्रेशन आज का है। पर वो जो घटना हो गई है क्लाउड बस की, मुझे ऐसा पता चला है कि 2-3 दिन अभी टाइम लगेगा, मतलब बहुत दुखद घटना हुई है। तो देखते हैं, अभी हम लोग तो वेट करेंगे इधर, जब खुलेगा जब तक वेट करेंगे और दर्शन करके जाएंगे। यात्रा के लिए आए थे, कल से यात्रा बंद है, हमारी रजिस्ट्रेशन आज की थी स्कूल के लिए, अब जब तक दर्शन नहीं होते हम जाते नहीं यहाँ से। तो अभी रुका है यात्रा को? यस, कहते 3 दिन तक रुकेगी शायद। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द शुरू? हम चाहते हैं जल्द से जल्द शुरू हो जाए। कुछ ऊपर पाइप वगैरह टूटे हुए हैं पानी के, वो आज जाएंगे ऊपर, तो फिर उसके बाद मतलब शुरू हो पाएगी यात्रा। पहले कल 2 पुल भी टूट गए थे जो उसमें बह गए थे पानी में, जो पानी का बहाव आया था, सैलाब आया था, तो उसमें अब 2 पुल तो उन्होंने बना दिए हैं ऊपर से, ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो हमारे यहाँ पे कुछ मतलब कमांडर हैं मिलिट्री में, वो उनसे बात हुई थी हमारी, तो वो बोल रहे हैं कि आज तो यात्रा किसी भी हाल में नहीं चल पाएगी, लेकिन कल की संभावना 99% है। और जून के महीने में अमरावती और उदयपुर में जो घटनाएं हुई थी हत्या की, उसके बाद NDTV से केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बात की थी और मदरसा से जुड़ी शिक्षा पर कई सवाल उठाए थे। और इसके बाद दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने NDTV से बात की थी और आरिफ मोहम्मद खान को यूपी के बरवाला के एक मदरसे से जुड़ा बताया था। अब आरिफ मोहम्मद खान ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने NDTV से बातचीत के दौरान मुझ पर यह आरोप लगाया कि बरवाला के एक मदरसे से मैं जुड़ा हूं। बरवाला गांव दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं NDTV की टीम से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी टीम वहां भेजें और पता लगाएं कि नजीब जंग के आरोपों में कितनी सच्चाई है। अगर नजीब जंग के आरोपों में सच्चाई निकली तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, और उन्होंने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं वो बेबुनियाद साबित हुए तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मुझ पर झूठे आरोप और दुर्भावनापूर्ण आरोप उन्होंने लगाए हैं उसे लेकर उनके पास क्या सफाई है, वो क्या करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि नजीब जंग जो पूर्व उपराज्यपाल थे दिल्ली के, उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान को लेकर कहा क्या था। इसको आरिफ साहब जरा चेक करें, ये कहते हैं कि देर इज अ मदरसा इन अ प्लेस कॉल्ड बरवारा इन उत्तर प्रदेश एंड ही इज इन्वॉल्व्ड इन द मदरसा। तो अब अगर मदरसे में आरिफ साहब कोई दिलचस्पी लेते हैं, वहां की पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं, तो फिर तो एक विरोधाभास पैदा होता है कि एक तरफ वो मदरसा है, एक तरफ अच्छा मदरसा है, एक तरफ खराब मदरसा है। वो किताब कौन सी आई थी कि आई एम अ गुड मुस्लिम, आई एम अ बैड मुस्लिम, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हिंदुस्तान के मदरसे जो हैं वो पाकिस्तानी मदरसे नहीं है। आज पूरे देश और दुनिया भर में मुस्लिमों का पवित्र त्यौहार ईद उल अधा मनाया जा रहा है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। और इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आज मस्जिदों में नमाज अदा करने गए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं मुस्लिम समुदाय को। इस बीच फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर के बाहर उनके प्रशंसक हमेशा की तरह आज भी जमा हुए ईद की मुबारकबाद देने के लिए, और शाहरुख खान ने भी अपने चहेतों को निराश नहीं किया।